बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शलजम आलू पालक मटर। इसके लिए हमने 1 किलो शलजम लिए हैं, जिसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया था। आधा किलो आलू है, इनके हमने इस तरह पीस कर लिए थे। एक प्याज है, बड़ा साइज़ का हमने ले लिया था, इस तरह बारीक बारीक काट लिया। एक अदद टमाटर, जिसके हमने इस तरह इसको भी बारीक बारीक काट लिया था। एक पाव हमारे पास मटर है और एक पाव पालक। बाकी हमने खड़े मसाले लिए हैं चुटकी चुटकी, ज़ीरा, सौंफ, सरसों, काली मिर्च, दालचीनी, मेथी दाना, कलवंजी और लौंग। एक चम्मच हमने मिर्च का लिया है पीसी हुई, एक चम्मच हमने सूखा धनिया, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप हम ऑयल का डाल देंगे, इसको हम गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। साथ ही हम खड़े मसाले ये वाले और शामिल कर देंगे। प्याज ऐड कर देंगे। इसको उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक इसकी इसका कलर ना चेंज हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। साथ ही हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च का एक चम्मच पेस्ट डाल देंगे। तो भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे प्याज के साथ ही। साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। हम दूसरे मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तीन हरी मिर्चें इसी तरह डाल देंगे और मटर इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मटर की स्मेल चली जाए।
भुनाई हमने कर ली है मटरों की, साथ पालक डाल देंगे। हम आलू ऐड कर देंगे। साथ ही हम शलजम डाल देंगे। बिल्कुल मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसको हम 10 मिनट के लिए अब ढक देंगे ताकि हमारे आलू मटर और शलजम अच्छे से गल जाए। दस मिनट हमारे हो गए हैं। माशाल्लाह से शलजम भी अच्छे से गल गए हैं, आलू भी मटर भी। चलो अब जो शलजम का पानी निकला है अब उसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जितनी हम भुनाई करेंगे उतना हमारा सालन मज़े का बनेगा। ऑयल निकलना शुरू हो गया है। चुटकी हम अजवाइन डाल देंगे, 2 सेकंड के लिए ढक देंगे। धनिया हमारी तैयार हो गई है। डिश आउट हमने कर लिया है।
व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।